ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जाने और अनजाने में हम कुछ बातें लोगों को बता देते हैं। उन बातों को बताने से हमें तो पता नहीं होता है कि इन बातों से हमें कितना नुकसान होगा, लेकिन बहुत नुकसान हो जाता है। तो हमारे गुरु की वाणी में, हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग, हमारे ज्योतिष के अनुसार, भूल कर भी किसी भी जातक को यह 5 बातें नहीं बतानी चाहिए। जो भी जातक इन बातों को समझ लेगा, अपनी आधी परेशानी का समाधान वह स्वयं कर लेगा। इसलिए इन बातों को विशेष कर आप समझें, अपने जीवन में उतारें, और जान कर भी नहीं हमें बताना है। मैं जानता हूँ आपका स्वभाव बहुत भोला है, आपके मन में कोई बात नहीं रहती है, आप अच्छे को अच्छा, बुरा को बुरा कहते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत बार आपसे गलत चीज़ें नहीं देखी जाती है, झूठ आपको बर्दाश्त नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें आपके स्वभाव में हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ बातें हैं जो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त का बोला हुआ बात, वक्त तो चले जाता है पर वो बात हमें कई दिनों तक पीड़ा प्रदान करती है। हमने अच्छे के लिए बोला, सही के लिए बोला, हमने एक फ्लो में बोल दिया, एक भाव में बोल दिया, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है। जाने वो बातें कौन सी, बहुत ही विस्तार से समझे। इस वीडियो को आखिरी तक देखकर इन बातों को समझकर अपना समाधान स्वयं कर सकते हैं आप। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, जब कभी भी आप आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने पति पत्नी के बीच मनभेद है, घर में दिक्कत तकलीफें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो जो बातें हैं हमारी परेशानियों की, ये पब्लिक डोमेन में मत बताएं। ज़्यादातर जातक, खासकर महिलाओं की आदत होती है कि जो हमारा दुखड़ा होता है वो हर एक व्यक्ति के सामने बताना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आपकी मदद करेगा तो उस मदद की कीमत आपको अदा करना पड़ेगी, इसलिए खुद से लड़े। जो मदद कर रहा है वो निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे जातक इन पलों का, इन हालातों का मिसयूज़ करते हैं और कई बार उसकी हमें कीमत चुकाना पड़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कितने भी बुरे हालात चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा आपके बीच, आपसी तनाव चल रहा है, उन्हें खुद सॉर्ट आउट करें। परिवार की बातें परिवार में रहने दें, बाहर ना जाने दें। जब परिवार की बातें बाहर जाती है तो शुक्र खराब होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही शुक्र खराब होता है ये कई सारी परेशानियाँ एक व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाती है। दूसरी बात है धन। हमारे पास कितना धन है ये कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि धन को बता देने से बहुत सारे जातक आपसे कर्ज मांगना शुरू कर देंगे, आपसे उम्मीद लगाना शुरू कर देंगे, आपके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू करेंगे, और कई बार लोगों का व्यवहार और रवैया आपके प्रति बदल जाएगा। तो कई बार धन बता देने से झूठे लोग हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा हो जाते हैं, सच्चे लोग दूर हो जाते हैं। तो जो सही और सच्चा आदमी होगा वो आपके पास पैसे हो नहीं हो उसे आपसे मतलब होगा, आपके धन से कोई मतलब नहीं होगा। इस जीवन में बेशक रूप से धन महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, लेकिन इतना जीवन में धोखे के लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है, तो बार बार धोखा ना हो उसके लिए ये चीज़ों को समझना होगा। तीसरा है गुरु मंत्र। कभी भी अपना गुरु मंत्र किसी के साथ साझा ना करें, इवन अपने गुरु भाई के साथ भी आप साझा नहीं करें। गुरु मंत्र मन में जाप करें और हमेशा अपने गुरु मंत्र के प्रति वफादार आपको रहना है। चौथा और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ गुप्त बातें आपके जीवन की, आपके पिता की, माता की, आपके स्वयं की, कुछ भी गुप्त बातें हैं वो गुप्त आप तक सीमित रहने दें। कुछ भी हो, कोई भी कितना अच्छा बेहतर आपके साथ, कितने भी अच्छी बॉन्डिंग क्यों ना हो, उसे शेयर ना करें, उस बात को आप स्वयं भूल जाएं तो अच्छा है। क्योंकि पुरानी बातें जब हम बताते हैं उसको किस वे में हम बताते हैं, और बातें ऐसी हो जाती है कि हमें खुद को समझ नहीं आती और चीज़ें ख़राब होती चली जाती है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, बुरे हालात कितने भी हो, गुरु मंत्र हमेशा